भारतीय किसान संघ के किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सायला उपखंड मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के किसानों ने उपखंड अधिकारी गिरधर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने सौंपे ज्ञापन में बिजली बिलों में दिए जाने वाला 833 रुपए प्रति माह विद्युत अनुदान पुनः शुरू करने, आगामी 6 माह के किसानों के कृषि व घरेलू विद्युत बिल माफ करने, कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु फ्लैट रेट व मीटर सैनिक को स्वैच्छिक करने की मांग की है। ज्ञापन में स्वीकृत भार में एक से अधिक पंप चलाने पर मांग पत्र राशि खत्म कर पूर्व जैसे ही शुरू की जाए, सिंगल फीज कृषि कनेक्शन जारी किया जाए, टिड्डी नियंत्रण केमिकल व डीजल किसानों को निःशुल्क व सुलभ उपलब्ध करवाया जाए और टिड्डियों से फसल खराब का मुआवजा देना सुनिश्चित की मांग की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2018 व 2019 की बीमा राशि अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को बीमा राशि जल्द देकर किसानों पर लगाया कल्याण कोष टैक्स तुरंत हटाया जाए। भारतमाला परियोजना सायला उपखंड में से गुजर रही है। परियोजना द्वारा किसानों को DLC दर से 4 गुना दर से मुआवजा दिया जा रहा है, जो उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों को बाजार की दर से 4 गुना के हिसाब से मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। किसान संघ की बैठक सायला तहसील में रहती थी, उसमें सायला और जीवाना क्षेत्र के सभी किसान मौजूद थे। उसमें ये चर्चा हुई कि आज जो भी सरकार 833 रुपया कृषि बिल में बात करके सब्सिडी भेज रहे थे और आने वाली सरकार वो बंद कर दिया है, तो किसान भारी रोष में है और वे पैसा बात करके बिल भेजे तो किसान बिल भरे, इधर बिल नहीं भरेंगे और आगे आंदोलन होगा और हमारे किसानों के खेतों में जो टिड्डी बहुत ही खराबा कर रही है उसी की आज कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, इसीलिए किसान दुखी है, तो सरकार ने उस पे जो व्यवस्था की जाए।